नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फायरबोल्ट निंजा स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है। आपको मिलती है फ्लिपकार्ट पे 1800 में। तो प्राइस इसकी काफी कम है और जो फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं, इसमें आपको हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सेंसर, इसके अलावा SpO2 भी मिल जाता है और यहाँ पे होता है टच टू वेक का फीचर। मतलब यहाँ पे आप स्क्रीन पर टच करके अपनी वॉच को वेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे बैक में तो यहाँ पे है 1.3 इंच फुल टच HD डिस्प्ले IPS। फिर यहाँ पे SpO2 है, स्लीप मॉनिटरिंग है, सेडेंटरी रिमाइंडर है, स्पोर्ट पेडोमीटर, कैलोरी कंजप्शन। इसके अलावा एक्टिविटी मोड में यहाँ पे आपको 7 स्पोर्ट्स मिल जाते हैं, जैसे है रनिंग, वॉकिंग, बाइसिकलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल। डिस्प्ले ऑल फोन एंड मैसेज नोटिफिकेशन। वेदर है, रिमोट कैमरा कंट्रोल है, अलार्म, टाइमर एंड लो बैटरी अलर्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे जो फीचर्स मिल जाते हैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और यहाँ पे आपको मल्टीपल वॉच फेसेस भी है जिसमें आप 250 से भी ज्यादा वॉच फेस यहाँ पे अपने सेट कर सकते हो अपनी वॉच पे। दोस्तों तो अब यहाँ पे हम इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे फुल सेटअप, क्या क्या सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं वॉच में और ऐप में, ये सारी चीजें हम देखेंगे फुल सेटअप गाइड में। तो यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे वॉच मिलती है, ठीक है, और यहाँ पे चार्जर है, मैग्नेटिक चार्जर, और यहाँ पे स्मार्ट वॉच मैनुअल गाइड। इसके बाद यहाँ पे आपको Z5 का प्रीमियम मेंबरशिप मिलता है यहाँ पे 1 महीने का। गाना ऐप का मिलता है प्लस मेंबरशिप 3 महीने के लिए। फिर यहाँ पे है बोल्ट प्ले के लिए, ये मेंबरशिप कार्ड है, और यहाँ पे है ये वारंटी कार्ड, यहाँ पे आप वारंटी रजिस्टर कर सकते हो। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से आपको ये वॉच को करना है, क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो इसे मैं साइड में कर लेता हूँ। अब सबसे पहले देख लेते हैं आपको यहाँ पे जो ये स्ट्रैप है, ये रबर मटेरियल है, और यहाँ पे पीछे में आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे में ये प्लास्टिक लगा हुआ है, आपको यहाँ पे इसे निकाल देना है, ठीक है। यहाँ से भी मैं प्लास्टिक निकाल देता हूँ, मैंने प्लास्टिक यहाँ से रिमूव कर दिया है। दोस्तों इसकी जो बॉडी है ये मेटालिक है, पूरी तरह से फुल मेटल बॉडी है, तो काफ़ी अच्छी आपको बॉडी मिल जाती है। और यहाँ पे प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो बिल्ड है काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे बैक में सेंसर और चार्जिंग के लिए यहाँ पे आपको मिलता है मैग्नेटिक स्लॉट, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, ठीक है, और चार्जिंग कर सकते हो। और यहाँ पे स्ट्रैप भी ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपकी वॉच पहले स्विच ऑफ होती है तो आपको पहले स्विच ऑन करना है, ठीक है। पहले स्विच ऑन कैसे करते हैं, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टैप करना है, यहाँ पे कोई भी बटन नहीं है, ये सबसे पहली चीज है आपको याद रखना है, यहाँ पे कोई भी बटन नहीं है, तो आपको ये स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके रखना है, तब जाके ये स्विच ऑन होगी। तो हम यहाँ पे लॉन्ग टैप करके रखेंगे, इसके बाद यहाँ पे वॉच तुरंत यहाँ पे 1 सेकंड में यहाँ पे ऑन हो जाती है, ठीक है। दोस्तों वॉच का सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, उस ऐप का नाम है दा फिट, तो आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है, और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर, बर्थडे, हाइट और वेट यहाँ पे एंटर करना है, ये जरूरी है, क्योंकि यहाँ से ही आपका जो कैलोरी है वो ठीक से काउंट होगा, मेजर होगा। तो आप यहाँ पे जो आपकी सही जानकारी है वही आपको यहाँ पे फिलअप करना है, फिर आपको यहाँ पे टिक पे टैप करना है, यहाँ पे अलाउ करना है, और यहाँ पे आपको स्टेप, स्लीप, आउटडोर रनिंग ये मिल जाएगा, और जो भी आप एक्टिविटी करोगे यहाँ पे उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे दूसरे टैप पे आना है, ये वाले डिवाइस पे टैप पे आना है आपको, दूसरे नंबर पे, और फिर यहाँ पे आपको करना है ऐड डिवाइस पे टैप, और यहाँ पे आपको करना है व्हाइल यूजिंग दी ऐप, और यहाँ पे इसका जो सीरियल नंबर है वो आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको इस पे टैप करना है, और ये कनेक्ट हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका स्टेटस कनेक्टेड दिखा रहा है, और बैटरी लेवल भी आपको यहाँ पे पता चल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाती है, इसमें पहला होता है वॉच फेसेस, तो आप यहाँ पे वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो, तो आपको इस पे टैप करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 3 वॉच फेस मिलेंगी, ठीक है, ये पहली, दूसरी और तीसरी। यहाँ पे जो तीसरी होती है उसमें आप अपनी फोटो भी ऐड कर सकते हो, तो आपको इसे सिलेक्ट करना है सबसे पहले, और यहाँ पे एडिट पे टैप करना है, यहाँ पे आपको करना है सिलेक्ट पिक्चर, आप अपनी यहाँ पे कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हो गैलरी में से। मान लो आपको यहाँ से ये वाली पिक्चर सिलेक्ट करनी है तो ये वाली करिए, ठीक है, आप एडजस्ट कर सकते हो, और फिर आपको यहाँ पे टिक पे टैप करना है, और यहाँ पे जो टाइम है उसे आपको ऊपर दिखाना है कि नीचे दिखाना है, आप यहाँ पे वो भी चेंज कर सकते हो, और टाइम के ऊपर क्या दिखाना है, टाइम के नीचे क्या दिखाना है, आप वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, और आपको फिर यहाँ पे करना है सेव। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये अप्लाई हो चुकी है, जैसे आप टैप करोगे और यहाँ पे आ जाएगा ये फोटो जो मैंने सेट की है यहाँ पे आ जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर आपको इसके अलावा और ज्यादा कुछ वॉच फेस अप्लाई करने हैं, यहाँ पे 250 से भी ज्यादा वॉच फेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पे करना है मोर वॉच फेस पे टैप, और यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉच फेस मिल जाएंगे, यहाँ पे करीबन
280 वॉच फेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आपको जो भी सेट करना है आप यहाँ पे उन्हें सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करना है तो आप इस पे टैप करिए और यहाँ पे ये डाउनलोड करिए यहाँ से। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है वॉच फेस जो हमने अभी डाउनलोड किया था ये वाला। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जब आप बैक जाओगे तो वॉच फेस के नीचे होता है नोटिफिकेशंस, तो आपको यहाँ पे फोन के लिए परमिशन अलाउ करनी है ताकि आप कॉल रिसीव यहाँ पे कर सको। ठीक है, मैसेज के लिए भी आपको अलाउ करना है, और फिर यहाँ पे जो दूसरे ऐप्स है उनके लिए आपको यहाँ पे ये परमिशन आपको दा फिट को इनेबल करना है, यहाँ पे अलाउ करना है। फिर बैक जाकर आपको जिन किसी ऐप की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे अपनी वॉच पे चाहिए आपको यहाँ पे उन्हें इनेबल करना है। जो ऐप आप यूज नहीं करते आपको उसे इनेबल नहीं करना है। अगर आपको सारे ऐप्स की नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे अदर्स को भी इनेबल करना है। अदर्स का मतलब होगा सभी ऐप्स की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे आएगी आपकी वॉच पे। ठीक है, लेकिन उससे बैटरी ज्यादा यूज होगी, आपको याद रखना है। दोस्तों अब देखते हैं अगर आपको कोई कॉल आता है तो किस तरह से यहाँ पे शो होगा आपकी वॉच पे। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे कॉल शो होता है, ठीक है, और वाइब्रेट भी होती है आपकी वॉच, लेकिन यहाँ पे आप कट नहीं कर सकते और रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब म्यूट भी नहीं कर सकते, और यहाँ पे अपने आप बंद हो जाएगा ये। ठीक है, हालांकि इसमें होना चाहिए था, एंड करने का ऑप्शन तो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रिजेक्ट करने का ऑप्शन भी नहीं मिलता आपको। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे यूआई मिल जाता है कॉलिंग के लिए, केवल आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेगी कॉलिंग के लिए। दोस्तों अब देखते हैं अगर आपको कोई मैसेज आता है तो किस तरह से यहाँ पे शो होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे इस तरीके से प्रीव्यू मिलता है, स्क्रीन वेकअप हो जाती है, और यहाँ पे आपकी वॉच वाइब्रेट भी होती है। ठीक है, और अब देखते हैं अगर आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरह से यहाँ पे शो होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे WhatsApp का इस तरीके से मैसेज यहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी मैसेज मिस कर दिया देखना तो आप यहाँ पे लेटेस्ट 3 मैसेज देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे जाना है मैसेज में, ठीक है, मैसेज में, और यहाँ पे आप जो भी लास्ट की 3 मैसेज होगी वो आप यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन। ठीक है, इस तरीके से। हालांकि आप यहाँ पे किसी को भी डिलीट नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते, जो भी 3 मैसेज होंगे लास्ट वाले आप यहाँ पे इन्हें स्वाइप करके यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे होता है अलार्म, अलार्म आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे टैप करना है, फिर आपको यहाँ पे जो टाइम है वो सेट करना है, आवर मिनट, इसके बाद जो डे है वो भी सिलेक्ट करना है, सेव करना है। तो यहाँ पे जो अलार्म है सेट हो चुका है, आप ऐसे ऐसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे होता है शटर, तो यहाँ पे आपको वाइल यूजिंग दी ऐप करना है और यहाँ पे शटर बटन एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको शटर पे टैप करना है, यहाँ पे 3 सेकंड का टाइमर होगा, और फिर आप यहाँ पे फोटो क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे फ्लैश का जो सेटिंग्स है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कैमरा को रोटेट कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी भी मेथड मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद जैसे आप जाओगे यहाँ पे अदर्स में, यहाँ पे होता है फाइंड डिवाइस, जैसे आप इस पर टैप करोगे आपका डिवाइस जो आपकी स्मार्ट वॉच है यहाँ पे वाइब्रेट होगी। फिर यहाँ पे होता है टाइम फॉर्मेट, आप यहाँ पे 12 आवर या फिर 24 आवर का फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो वॉच में। फिर यहाँ पे यूनिट सिस्टम आपको मैटरी ही रखना है। फिर यहाँ पे होता है डू नॉट डिस्टर्ब, यहाँ पे आपको अगर इसे यूज करना है तो आप इसे यूज कर सकते हो। इसका मतलब है कि कोई भी नोटिफिकेशन आपके वॉच पे नहीं आएगी और वाइब्रेशन भी नहीं होगा आपकी वॉच में, तो आपको यहाँ पे टाइम सिलेक्ट करना है। इसके बाद होता है यहाँ पे रिमाइंडर्स टू मूव, जिसे हम आइडल अलर्ट या फिर सेडेंटरी अलर्ट भी कहते हैं। तो अगर आप 1 घंटे के दौरान बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडल, तो आपको यहाँ पे एक अलर्ट आता है, तो आपको इसे सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यहाँ पे सेट करना होता है, आपको यहाँ पे इसे ऑन करना होता है, टाइम आप चेंज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, रिसेट करना हो तो रिसेट कर सकते हो। और यहाँ पे होता है क्विक व्यू, क्विक व्यू का मतलब होता है कि अगर आप अपनी वॉच को, आप 2 तरीके से अपनी वॉच को वेकअप कर सकते हो। तो एक तो आपको टच करना है वॉच पे, यहाँ पे इस तरीके से आपकी वॉच वेकअप हो जाती है, या फिर अगर आप अपनी वॉच को ऊपर उठाओगे इस तरीके से तो भी आप यहाँ पे अपनी वॉच को वेकअप कर सकते हो, जिसे कहते हैं क्विक व्यू। तो अगर आपको इसका यूज करना है, जेस्चर का यूज करना है इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे इसे ऑन करना है। अगर आप इसे ऑफ कर दोगे ना तो ये काम नहीं करेगा। अगर आप देखोगे मैं अगर इसे ऊपर उठाऊंगा तो अब ये काम नहीं करेगा, तो इसके लिए आपको इसे ऑन करना है। और ये कितने समय के लिए आपको यूज करना है, आपको यहाँ पे टाइम सेट करना है तो आप टाइम सेट कर सकते हो, या फिर आपको ऑल डे ही रखना है। ठीक है, इसके बाद होता है यहाँ पे वेदर, वेदर आपको यहाँ पे इनेबल करना है, और आपको सिस्टम क्या दिखानी है, सेल्सियस या फेरनहाइट आपको सिलेक्ट करना है, सिटी आपको यहाँ पे चूज करना है, ताकि आपको यहाँ पे एक्जैक्टली जो लोकेशन है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ये सभी सेटिंग्स आपको मिल जाती है ऐप में। और लास्ट में होता है यहाँ पे अपग्रेड, तो आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपग्रेड चेक कर सकते हो। यहाँ पे आगे में होम पेज में जो भी आप स्टेप्स काउंट करोगे, मतलब जो भी आप स्टेप्स यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, मीटर कितने चले हो, ठीक है, कितनी किलो कैलोरी बर्न हुई है, कितने मिनट तक आपने एक्टिविटी की थी। इसके बाद आप वीक मंथ वाइज रिकॉर्ड देख सकते हो, यहाँ पे डेट वाइज भी देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे होता है स्लिप डेटा, लाइट स्लिप कितनी थी, डीप स्लिप कितनी थी, कितने आवर आप सोए थे,
और यहाँ पे डेट वाइज भी आप रिकॉर्ड देख सकते हो, डे वीक मंथ वाइज सेम। यहाँ पे हार्ट रेट, बीपी, ब्लड ऑक्सीजन, SpO2, और आपने अगर कोई भी ट्रेनिंग की होगी एक्टिविटी तो यहाँ पे उसका रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, फिर आप उस पर टैप करके उसका रिकॉर्ड यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये है वॉच फेस। ठीक है, अब अगर आप वॉच फेस पे यहाँ पे लॉन्ग टैप करोगे ना तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि कितनी बैटरी लेवल है, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टैप करना है और यहाँ पे पता चलेगा आपको कि बैटरी लेवल कितनी है। ठीक है, आप यहाँ पे बैटरी लेवल और ब्लूटूथ स्टेटस यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। फिर जैसे आप यहाँ पे राइट में स्वाइप करोगे तो यहाँ पे मिलता है एक्सरसाइज। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है स्टेप्स, आप यहाँ पे स्टेप देख सकते हो डिस्टेंस के साथ, और यहाँ पे होता है स्लिप, लाइट स्लिप, डिप स्लिप कितनी थी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जैसे आप यहाँ पे ऊपर में या फिर नीचे में स्वाइप करोगे इस तरीके से नीचे में, तो यहाँ पे आपको मिलती है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपको पहले मिलता है यहाँ पे ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में आप यहाँ पे वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और फुटबॉल को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपको करना हुआ रनिंग तो आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है और फिर यहाँ पे रनिंग का जो एक्टिविटी मोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस तरीके से स्टार्ट होता है, कितना टाइम हुआ है, स्टेप्स कितने हैं, BPM कितना है, किलोमीटर कितने हैं और किलो कैलोरी कितनी बर्न हुई है, आप यहाँ पे इसे एंड कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, हार्ट रेट आप यहाँ से मेजर कर सकते हो कितना BPM है, आपको यहाँ पे पता चलेगा। इसके बाद यहाँ पे BP, ब्लड प्रेशर। ठीक है, बैक जाने के लिए आप इस तरीके से स्वाइप कर सकते हो, और यहाँ पे होता है ब्लड ऑक्सीजन SpO2, यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो, और फिर उसके नीचे होता है यहाँ पे मैसेज, तो जो भी आपको नोटिफिकेशन देखने हुई आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे लेटेस्ट 3 नोटिफिकेशन देख सकते हो। ठीक है, मैसेज में, और फिर होता है यहाँ पे वेदर, तो वेदर में आज का वेदर, हाईएस्ट लोएस्ट, फिर कल का और फिर अगले 4 दिन का, मतलब आप यहाँ पे टोटल जो है 5 दिन का देख सकते हो अगले। ठीक है, और फिर यहाँ पे जैसे बैक जाओगे तो यहाँ पे होता है शटर, तो यहाँ पे आपको शटर को ओपन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे ना तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगी आपको, जैसे आप इस पे टैप करोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी या फिर कैमरा अपने आप ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे कैमरा ओपन करने की जरूरत नहीं होती, आप जैसे यहाँ पे टैप करोगे कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, अगर नहीं होगा ना तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगी, आपको उस पर टैप करना है और फिर कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, फिर आप इस पर टैप करके फोटो को क्लिक कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन होता है सेटिंग का, तो जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे ये होता है सबसे पहला DND, म्यूट करने का ऑप्शन। इससे क्या होगा, सभी नोटिफिकेशन म्यूट हो जाएगी और वाइब्रेशन भी यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, और ये ब्राइटनेस 1 लेवल 2 3 4 5 लेवल तक आप ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हो। फिर होता है यहाँ पे टाइमर, तो आप यहाँ पे टाइमर भी सेट कर सकते हो। ठीक है, टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से, फिर यहाँ पे आप रिसेट कर सकते हो बैक, और फिर यहाँ पे इसके बाद होता है स्विच। स्विच का मतलब होता है वॉच फेस को स्विच करना, वॉच फेस को आप स्विच कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये रहा वॉच फेस, तो यहाँ पे 4 वॉच फेस मैंने सेट किए हैं, आपको जो यहाँ पे रखने हैं आप रख सकते हो। यहाँ पे पहले आपको 3 ही मिलेंगे, ठीक है, आपको मान लो ये रखना है तो आप इस पे टैप कीजिए, ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे होता है सेटिंग्स का ऑप्शन, स्विच के नीचे होता है यहाँ पे रिसेट करने का ऑप्शन, आप यहाँ से रिसेट कर सकते हो अपनी वॉच को। फिर यहाँ पे पावर ऑफ, अगर आपको पावर ऑफ करना हो अपनी वॉच को। ठीक है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे सेटिंग्स में इतने ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये है फायरबोल्ट निंजा और इसका फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो इस वॉच के बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।